नाज्रीन ये है पैदाइशी हाफ कुरान बच्चा ये अफ्रीका के अरब मलक अलज़ायर से ताल्लुक़ रखता है और इस पैदाइशी हाफज कुरान बच्चे की इस वक्त पूरी दुनिया में दो मची हुई है इस दूध पीते बच्चे को कुदरत की अजीम निशानी और कुदरत का अजीम मज़जा करार दिया जा रहा है जबकि यह बच्चा दुनिया का सबसे कम उम्र हाफ़ कुरान होने का एजाज़ भी हासिल कर चुका है नाजरीन याहिया नामी दो साल बच्चा कुरान करीम का पक्का हाफिज है इसे बहुत सारे लफज अभी कहने नहीं आते यानी यह लफज साइकिल भी अपने मुंह से नहीं निकाल सकता नहीं बोल सकता लेकिन कुरान करीम इस कदर रवानी से पढ़ता है कि दुनिया हैरान हो जाती है इसे कुरान पाक की कोई भी आयत सुनाएं ये फौरन उससे अगली आयत पढ़ना शुरू कर देता है अरब ममालक समेत पूरी दुनिया के अखबार और टी वी चैनल्स तवातर के साथ याहिया पर स्टोरीज चला रहे हैं इस पर वीडियोज़ बनाई जा रही हैं और कुछ चैनल्स इसका इंटरव्यू लेने की भी कोशिश कर रहे हैं अशरूक न्यूज़ नामी एक टीवी चैनल है जिस पर इसका इंटरव्यू दिखाया जा रहा है और ये इंटरव्यू बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है आप देख सकते हैं कि यह बच्चा अपनी माँ के साथ बैठा है और इंतहाई मासूम और ख़ूबसूरत बच्चा है इसकी उम्र देख ऐसा लग ही नहीं रहा कि इस उम्र में भी बच्चा कुरान पाक हिफज कर सकता है इसी वजह से इसे कुरान पाक का जिंदा मुआवजा करार दिया जा रहा है आपको बताते चलें कि अरब के बड़े बड़े अखबार ने इसके वालदे से खसूस मुलाकात करके एक तफसीली रिपोर्ट छापी है जिसमें यहाजा नामी इस बच्चे की स्टोरी को मावरा अकल करार दिया है याहजा के वालदे का ताल्लुक़ अलज़ायर के अलबलीदा नामी इलाके से है दोनों इंतहाई दीनदार हैं यानी माँ और बाप दोनों दीन से मोहब्बत करने वाले पांच वक़्त की नमाज़ पढ़ने वाले और अच्छे इखलाक और अच्छे किरदार के मालिक हैं नाजरीन याहिया की वालदा का कहना है कि जब यह बच्चा मेरे बतन में था तो उस वक्त मैंने एक रात बड़ा अजीबो गरीब खौफ देखा था मैंने देखा कि एक ख़ूबसूरत जगह है और वहाँ पर लोगों की एक जमात बैठी है मैं ख़्वाब में उन्हें सहाबा इकराम समझने लग गई मैंने बहुत ही ख़ूबसूरत और बुलंद आवाज़ में उनके सामने क़ुरान करीम की तिलावत की इसी दौरान एक शख़्स ने मुझसे कहा यह सैदना साद बिन अबी वकास रज़ी अल्लाह तहो हैं और ये तुझे बुला रहे हैं मैं उनकी तरफ चल पड़ी तो उसी शख्स ने एक इंतहाई पुरार बुज़ुर्ग की तरफ़ इशारा करके कहा कि ये सैद ना अबू बकर सिद्दीक रजियल्लाहो हैं ये सुनकर मुझ पर हैबत तारी हो गई कि मैं सिहाबा इक्राम के मजमे में हूँ और मैंने तिलावत कुरान पाक जो सुनाई है वो मैंने इन इकराम को सुनाई है वो कहने लगी कि मैं हैरान भी हो गई और परेशान भी हो गई मैं उस शख्स के साथ चलते चलते जब सात बिन अभी वकास रजी अल्लाह तालों के पास पहुँची तो मैं क्या देखती हूँ कि वहाँ पर एक सफ़ेद रंग की दीवार है जिसके अंदर एक चमकदार किस्म का मोती जड़ा हुआ है सैदना साद रजी अल्लाह तहोंने मुझसे फ़रमाया कि ये मोती तुम्हारा है इसे ले लो चुनाचे मैंने आगे बढ़कर उस मोती को निकाल लिया जिसके बाद मेरी आंख खुल गई अब मैं सोचती रही कि मैं इस ख्वाब की ताबीर पूछने किसी आलम दीन के पास जाऊं लेकिन कई दिन गुजर गए और मुझे वक्त ना मिला मैं किसी आलम दीन के पास ना जा सकी इसी दौरान एक रात मैंने एक और ख्वाब देखा कि मैं काबा शरीफ के सामने मताफ के अंदर मौजूद हूँ वहाँ पर मौजूद जो लोग हैं वो मेरे लिए जगह बना रहे हैं और मुझे बड़े एहतराम के साथ काबा शरीफ के अंदर ले जाया जा रहा है इस दूसरे ख़्वाब ने भी मुझे बड़ा हैरान किया मैं अंदर ही अंदर खुश भी हो रही थी और हैरान भी कि मेरे साथ आखिर क्या हो रहा है ऐसी कौन सी खुशखबरी मुझे मिलने वाली है जो इस तरह के ख्वाब मुझे आ रहे हैं यहाजा की माँ कहने लगी कि जब इस बच्चे की विलादत के दिन करीब आए तो ख्वाब में मुझे किसी ने निदा दी कि सोरा मरियम की दसवीं आयात पढ़ो इसका तर्जमा मुझे ख्वाब के अंदर सुनाया गया जिसका तर्जमा यह है कि ए ज़िक्रिया हमने आपको एक बेटे की खुशखबरी सुनाई है जिसका नाम यहिया होगा यहिया की माँ बताने लगी कि ये आयत मुझे पहले तो याद नहीं थी लेकिन ख्वाब में इस आयत को सुनने के बाद मुझे ये आयत याद हो गई और मैं इस आयत को बच्चे की विलादत तक हर वक्त दोहराती रही और फिर जब इस बच्चे की विलादत के दिन करीब आ गए तो इस बच्चे की विलादत हुई मैंने ख्वाब के मुताबिक इसका नाम यहया रख दिया लेकिन जब यह बच्चा पैदा हुआ तो इसके दाएं हाथ पर एक उंगली ज़्यादा थी हम इस बच्चे को हस्पताल ले गए ताकि इस एक्स्ट्रा उंगली को कटवा कर ज़ाया कर दिया जाए तो डॉक्टरों ने टेस्ट के बाद हमें बताया कि अगर इस उंगली को हम काट कर ज़ाया भी कर दें तो यहाँ पर यह उंगली दोबारा आ जाएगी हम उसी तरह यहिया को वापस ले आए अब इसका दायां हाथ उस अजाफी उंगली के साथ ऐसा लगता है जैसे अल्लाह का इसमें मुबारक लिखा हो इसलिए हमने इसे कटवाने का इरादा तर्क कर दिया यहाँ की ख़ला का कहना है कि जब इस बच्चे की उम्र चालीस दिन हुई तो एक दिन मैंने देखा कि यह अपनी माँ के साथ सोया हुआ था इसने अपनी शहादत की उंगली को ऐसे उठाया जैसे कलमाए शहादत पढ़ते वक्त उंगली को उठाया जाता है उन्होंने मजीद बताया कि आम बच्चों की तरह रोता है लेकिन जब भी इसे रोते में कुरान पाक की तिलावत सुनाई जाती है तो फौरन खामोश हो जाता है याहिया के बारे में उसके अहल खाना उस वक्त हैरत में मुबतला हुए जब उसकी उम्र एक बरस हुई यानी एक साल हुई तो उसने दीवार में लगे फ्रेम की जानब इशारा किया जिस पर कलमा तयबा लिखा हुआ था यह उसको खुद ब खुद पढ़ने लगा उसके बाद यहा कुरान करीम खोल कर उसमें आयात सजदा ढूँढ ढूँढ कर पढ़ने लगा इसकी उम्र दो साल हुई तो ये बहुत तेज़ हो चुका था मगर अपनी हम उम्रों की तरह इसे खिलौनों में कोई दिलचस्पी नहीं थी वो बस हर वक्त कुरान करीम या बच्चों की दीनी किताबों का मताल करता अगर कुरान करीम या किताब ना मिलती तो वो टीवी पर कुरान करीम की तिलावत सुनता रहता अगर कोई यहाँ के सामने तिलावत करते हुए गलती कर जाता तो या फ़ौर उसे रोकता कि यहाँ पर गलती हुई है यह बच्चा पैदाइशी हाफिज़ है और हिफ्ज कुरान के साथ साथ इसकी दूसरी सलाहित भी बेहतर होने लगी हैं यह अपनी तोतली ज़ुबान में कुरान पाक पढ़ता है मगर मुकम्मल तजवीद का ख्याल रखता है इसके सामने जब भी कुरान पाक की कोई आयत पढ़ी जाती है तो फ़ौर से उससे अगली आयत को पढ़ना शुरू कर देता है जब भी वो अपनी माँ के साथ कहीं जाता है तो मुसलसल क़ुरान पाक की तिलावत करता रहता है एक और कमाल की बात है कि यहया जब भी सूरत तौबा पढ़ता है तो बग़ैर बिस्मिल्लाह के पढ़ता है और ऐसा ही पढ़ने का शर्य हुक्म भी है यहया घर में तो कभी कभी खामोश भी रहता है मगर जब भी वो अपनी माँ के साथ किसी जगह पर जाता है कहीं पर बाहर जाता है तो वो मुसलसल कुरान करीम की उन आयात की तिलावत शुरू कर देता है जिनमें अज़ाब इलाही से डराया गया है या फिर नेमतों की खुशखबरी सुनाई है यहया की ये अजीब हरकत देख कर इसकी माँ को तशवीश ला हक हुई कि कहीं इसका बच्चा नफसिया बीमारी का शिकार ना हो गया हो वो इसे नफसियाती इमराज के माहरीन के पास ले गई मगर डॉक्टरों ने इसे तसली दी कि इस बच्चे को कोई बीमारी लाक नहीं है यहाँ की माँ को बाज़ लोगों ने यह भी बताया कि इस बच्चे को जन्नात ने अपनी गिरफ्त में ले रखा है वही इसकी ज़ुबान में बोलते हैं तो इसकी माँ अपने इलाके के एक बड़े आमिल के पास इसे ले गई उसने भी दम किया और उसने भी बताया कि इस बच्चे पर जन्नत का साया नहीं है बल्कि यह बच्चा कुदरती तौर पर ही ये सलाहियत रखता है कि इसने कुरान पाक को हिफ्ज कर लिया है यह कुदरत का एक बड़ा मोजा है जिससे हक तआला अपने दीन का बड़ा काम लेना चाहे अल्लाह ताला उससे वो काम ले लेता है अब यहया की माँ अपने इस बच्चे को एक बड़ा आलम दीन बनाना चाहती है वो चाहती है कि इसे एक बड़े मदरसे में दाखिल करवाया जाए वहाँ पर यह दीन की मुकम्मल तालीम हासिल कर सके और बाद में एक बड़ा आलमी दिन बन सके नाजीन उम्मीद है की हमारी आज की वीडियो आपको जरूर अच्छी लगी होगी वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और मजीद इस तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए